नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर गुरदासपुर से आ रही है। नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर लड़के ने बुलाया अपने शहर और दो दिन बाद शादी से इनकार करते उसे वापस भेज दिया। तेज बाद लड़की को पुलिस ने किया बरामद। सोशल मीडिया की दोस्ती की कहानियां आपने अक्सर सुनी होंगी। कई युवा लड़के लड़कियां सोशल मीडिया पर अपने टैलेंट डालकर कई पैसे कमा रहे हैं और कई और एक दूसरे की दोस्ती का मजाक बना रहे हैं। ऐसा ही मामला जिला गुरदासपुर के बटाला का सामने आया है, जिसमें एक अनजान लड़के का नाबालिग 17.5 साल की लड़की के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर मैसेज आता है और दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदलने के बाद लड़की को लड़का शहजाद खान जालंधर अपने पास शादी के लिए बुलाता है और एक दिन अपने घर रखता है और दूसरे दिन जालंधर में किसी होटल में, और उसके बाद शादी से इनकार कर देता है और उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहता है। लड़की वहां से तो आ जाती है, लेकिन सहेली के फोन आने के बाद लड़की रास्ते में ही बाबा बकाला बस से उतर जाती है और रात ज्यादा होने के कारण किसी ऑटो वाले के साथ उसके घर चली जाती है और ऑटो वाला अपने किसी रिश्तेदार से लड़की की सहमति से मेहता से बलवंत सिंह नामक लड़के से शादी करवा देता है। और आज मोबाइल लोकेशन के जरिए लड़की को मेहता से बरामद कर लिया गया है और परिवार वालों को सौंप दिया गया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गल इतो स्टार्ट हुई ही भी मैंने कोई अनजान नंबर तो फोन आया मैसेज आया ही व्हाट्सएप पे ते हाय भेजी ही, तो मैं उन्होंने पूछा भी तुसी कौन है, तो उन्हें मैंने कहा भी मैं शहजाद खान बोलता पे आया, तो मैं क्या मैं तुम्हें नहीं जानती हैगी। मैंने कहना कोई ना जान जाओ कि मेरे ना गल करी जाओ, जब फ्रेंड तौर पर उन्हें मैं गल की साड़ी हौली हौली अगे न गल वधी, तो मैंने कहना मैं तेरा प्यार करता वहां तो मैं तेरा विआह करवाना, तो दो तीन महीने मैं उन्हें गल की बाद फिर मैंने इन्हें बुला लिया मैंने अपने कोल, कहता तू मेरे को आया मैं तेरा विआह करवाना, मैं घरों मैं पैर पुट लिया, मैं किसी ने दस के नहीं गई भी मैं चली हाँ घर घरों, तो मैं चल गई। तो मैंने बाद चो उन्हें एक दिन वास्ते अपने घर रखा, दूसरे दिन होटल के इन्हें मैंने रखा ही, तो होटल के रख के शाम को फिर मैनू बाद चो मैं घर दया भूमि का फोन आता है, तो भूमि मैनू कहती है भी तेरे घर दे मेरे घर आए ही तेरा भरा ते तेरी मम्मी तेनू लभदे पे आ, तो मैं उन्होंने कहा भी मैनू नहीं पता भी कितने हैगी या कितने नहीं, कहती मैं साफ मुकर गई हाँ, तो मैं वह मैंने कहती भी जे तू घर आ गई कहती तेरे घर जाने तेन मार देना, मैं तो इन्नी गल मैं शहजाद न कही ही, तो शहजाद कहता भी तू अपने घर जा कुछ नहीं होंगे तेरे घर ज्यादा भी बाद गल कर लाँगे जो भी होएगी, तो एक बार अपने घर जा भी मना ला उन्होंने जिदा भी करके, तो मैं मतलब मैं उन्हें कह मैं बाद चो फिर मैंने उन्हें उतों भेजता ही, तो मैं बाबे बकाले में उतरी ही मैंने बसे चढ़ाता बाबे बकाले में उतरी ही, तो बाद मैंने एक टैंपू वाले भाजी मिले उन्होंने सवारियाँ किनिया बैठिया रहे मैं भी उन्होंने टैंपू च बह गई सी, तो उन्होंने बाद चो मैं रोंदी पी उन्होंने मैंने पूछा भी कुड़िए तू क्यों रोंदी पी है, तो मैं उन्होंने दसिया इदा इदा भी मतलब मेरी किसी मुंडे ने गलबात ही, तो उन्हें मैंने धक्केशाही ना छड़ता वा, तो मैं उत्ते एतबार किया ही उन्होंने भरोसा तोड़ता, वो कहता मैं हूँ तेन नहीं रखना हूँ तू जा, तो बाद चो फिर मैंने भाजी ने भी अपने घर रखे एक दिन वास्ते भी कहते कुड़िए तू साढ़े घर रह भी हूँ नेरा पै गया हूँ तू कितने जाएंगी, तो मैं उन्होंने घर रही हाँ, तो बाद फिर दूसरे दिन उन्होंने घर मैं आ गई ही, तो बाद चो मैं गुरुद्वारे रही इधर उधर रही हाँ भी मतलब घर नहीं मैं अपने गई, तो बाद फिर उन्होंने मेरे घरदियां ने पुलिस से रिपोर्ट दी मेरे खिलाफ भी साड़ी कुड़ी लभदी नहीं पई, तो पुलिस वाले ने अज मैनू लैके आए ने, तो हूँ मैं घर आ अपने, तो मैं प्रशासन का मैं मांग करती हाँ भी एक मुंडे ने मेरी गलबात करवाई ही भी लव नाम का मुंडा आ शहजाद खान नाल मेरी उन्हें गल करवाई ही, तो मैं बिच भूमि तो लव तो जी शहजाद खान इन्हों तिना ने धक्केशाही मेरे ना की आ, मतलब कार्रवाई मैं इन्हें करवाना चाहनी हाँ। 25 सितंबर में कुड़ी गई सी घरों पर माँ बाप साढ़े को लेट आए थोड़े, केस रजिस्टर किया असने का केस इनवैसटीगेट किया और जी इन्हों की लास्ट लोकेशन आई ना लड़की की कॉल डिटेल तो ये लास्ट लोकेशन के हिसाब न अज तफ्तीशी अफसर जी साड़ी आ सब इंस्पैक्टर अमनदीप कौर वो गए से लेते उतों ये लड़की रिकवर हो गई, अपन माजरा इन्हों का यह कि वट्सअप के उत्ते इंस्टाग्राम वट्सअप के उत्ते शहजाद नाँ के मुंडे नाल टचअप हो गया, उस मुंडे ने झांसा दिता कि मैं तेरे ना विआह करावगा, ये जो जलंधर गई है वह बंदे ने रिफ्यूज़ करता, ये वापस आई जो आके बाबे बकाले उतरी है बस स्टैंड के उत्ते उत्थे रो रही थी, ऑटो वाले ने इन्हें पूछा रोन का कारण की है, उन्हें दसिया कि मेरे ना मुंडे ने धोखा कर लिया,
ਉਹ ਲੇਟ ਸੀ, ਲੇਟ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਬਲਵੰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਟੋ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮਝ? ਹਾਂਜੀ, ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾ ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਜਾਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਹੀ ਵੀ ਆ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਲੱਗੇ ਕਰਾਉਣ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਇੰਡਕਟਡ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਟਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾਣੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਖੜਕਾਵਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪਏ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।